हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एक स्टोरी के थ्रू। तो आज की स्टोरी का टाइटल है हमारा दो दोस्त और एक भालू की, द बियर एंड टू फ्रेंड्स। वैसे तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए यूजफुल हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस, वंस मीन्स होता है एक बार। टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। टू मीन्स होता है दो, फ्रेंड्स मीन्स क्या होता है दोस्त, वर मीन्स होता है थे हमारा पास्ट टेंस, वॉकिंग मीन्स क्या होता है चलना यानी कि गुजरना, थ्रू मीन्स क्या होता है द्वारा, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है जंगल। एक बार दो दोस्त जंगल के पास से गुजर रहे थे। वंस टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। दे न्यू दैट एनीथिंग डेंजरस कैन हैपन टू देम एट एनी टाइम इन द फॉरेस्ट। दे मीन्स होता है वे, नो मीन्स होता है जानना, नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू। एनीथिंग यानी कुछ भी, दैट का इस्तेमाल हम यहाँ पे की के लिए कर रहे हैं, लेकिन दैट मीन्स वह भी होता है। डेंजरस मीन्स खतरा, कैन का इस्तेमाल सत्ता के लिए हम कर रहे हैं। हैप्पी मीन्स होता है होना, देम मीन्स उनके, एनी टाइम मीन्स होता है कभी भी, इन मीन्स होता है मे, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। वे जानते थे कि जंगल में कभी भी उनके साथ कुछ भी खतरनाक हो सकता है। सो दे प्रोमिस्ड ईच अदर, सो मीन्स इसलिए, दे मीन्स होता है वे, प्रोमिस मीन्स होता है वादा करना, प्रोमिस की सेकेंड फॉर्म होती है प्रोमिस्ड यानी कि वादा किया, ईच अदर यानी कि एक दूसरे से, इसलिए वे एक दूसरे से वादा किए कि दैट मीन्स क्या होता है कि दे वुड रिमेन यूनिटेड इन एनी केस ऑफ डेंजर। रिमेन मीन्स होता है रहना, यूनिट मीन्स क्या होता है एकजुट, एंड एनी केस मीन्स क्या होता है किसी भी मामले में, डेंजर मीन्स होता है खतरा, इन मीन्स होता है मे, वे किसी भी खतरे के मामले में एकजुट रहेंगे, इसलिए वे वादा किए एक दूसरे से कि किसी भी खतरे के मामले में वे एक साथ रहेंगे। सो दे प्रोमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड रिमेन यूनिटेड इन एनी केस ऑफ डेंजर। सडनली, सडनली मीन्स होता अचानक, दे सॉ अ लार्ज बियर अप्रोचिंग देम, दे मीन्स होता उन्होंने, सॉ मीन्स होता देखा, सी के सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, ठीक है। लार्ज यानी कि भारी, बड़ा, बियर मीन्स होता है भालू, अप्रोचिंग मीन्स क्या होता है अपनी ओर आते हुए। अचानक उन्होंने बड़े भालू को अपनी ओर आते हुए देखा। सडनली दे सॉ अ लार्ज बियर अप्रोचिंग देम। वन ऑफ द फ्रेंड्स एट वंस क्लाइम्ड ए नियर बाय ट्री। वन मीन्स होता है एक, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, क्लाइम की सेकेंड फॉर्म होती है क्लाइम्ड, नियर बाय यानी कि पास ट्री मीन्स क्या होता है पेड़। वन ऑफ द फ्रेंड्स एट वंस क्लाइम्ड ए नियर बाय ट्री, बट द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम्ब। बट मीन्स होता है लेकिन, अदर मीन्स होता है दूसरा, वन मीन्स होता है एक, डिड नॉट यानी कि नहीं, नो मीन्स होता है जानना, हाउ मीन्स होता है कैसे, क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना। तो देखिए हमारा पास्ट टेंस है और नेगेटिव है, तो इसलिए हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा दोस्त नहीं जानता था कि पेड़ पे कैसे चढ़ना है, बट द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम्ब। सो बिंग लेड बाय हिज कॉमन सेंस, सो मीन्स क्या होता है इसलिए, लेड बाय मीन्स होता है के नेतृत्व, हिज मीन्स होता है अपना, एंड कॉमन सेंस मीन्स क्या होता है सामान्य ज्ञान, इसलिए के नेतृत्व में अपना सामान्य ज्ञान, ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड ब्रीथलेस। ही मीन्स होता है वह, ले डाउन यानी कि लेट गया नीचे, ठीक है। ऑन मीन्स होता है पर, ग्राउंड मीन्स होता है जमीन, ब्रीथलेस, ब्रीथलेस मीन्स क्या होता है सांस मत छोड़ना, सांस छोड़ते हुए जमीन पर लेट गया। Pretending to be a dead man. Pretend means क्या होता है नाटक करना, बहाना बनाना, and M means होता है एक, dead means क्या होता है मरे हुए, man means होता है आदमी। वह एक मरे हुए आदमी का नाटक करते हुए। The bear came near the man laying on the ground. Bear means होता है भालू, came means होता है आया, come means होता है आना, come की second form की बात करो तो होता है came, near यानी कि पास, man means होता है आदमी, laying, laying means क्या होता है later, लेटना, on means होता है पर, ground means क्या होता है जमीन। भालू जमीन पर लेटे हुए आदमी के पास आया। The bear came near the man laying on the ground. It smelled in his ears. Smell means क्या होता है सूंघना, his means होता है उसके, and ears means होता है कान, यह इन मीन्स होता है मे, यह उसके कानों में सूघा, किसके, उसके दोस्त के। इट स्मेल्ट इन हिज ईयर्स एंड स्लोली लेफ्ट द प्लेस, एंड मीन्स होता है और, एंड स्लोली मीन्स क्या होता है धीरे धीरे, लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि चला गया, ल्यू मीन्स होता है चले जाना, ल्यू की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, प्लेस मीन्स होता है जगह, और वह धीरे धीरे उस जगह से चला गया। बिकॉज,
बिकॉज द बियर्स डोंट टच द डेड क्रिएचर बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि बियर्स मीन्स होता है भालू डोंट टच ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है टच मीन्स होता है छूना डेड यानी मरे हुए क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव क्योंकि भालू मरे हुए जीवों को नहीं छूता है बिकॉज द बियर्स डोंट टच द डेड क्रिएचर्स नाउ द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन एंड आस्ट हिज फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड फ्रेंड्स नाउ मीन्स होता है अब फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त और मीन्स होता है पटरी मीन्स होता है पेड़ कंपनी सेकेंड फॉर्म होती है केम यानी कि आया डाउन मीन्स होता है नीचे एंड मीन्स होता है और आज की सेकेंड फॉर्म होती है आस्ट यानी कि पूछा हिज मीन्स क्या होता है अपने फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त ग्राउंड मीन्स क्या होता है जमीन अब पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे आया और जमीन पर अपने दोस्त से पूछा नाउ द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन एंड आस्ट हिज फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड फ्रेंड्स यानी कि दोस्त What did the bear tell you into your ears? What means होता है क्या ये हमारा past tense है इसीलिए हम did का इस्तेमाल किया bear means होता है भालू tell means होता है कहना बोल बताना you means होता है तुम in means होता है मैं your means होता है तुम्हारा ears means होता है कान भालू ने तुमसे तुम्हारे कानों में क्या कहा किसने पूछा वो जो दोस्त पेड़ पर बैठा था वो नीचे उतरा तो फिर अपने दूसरे दोस्त से पूछा What did the bear tell you into your ears? The other friends replied. अदर यानी दूसरा फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त रिप्लाई मीन्स होता है जवाब देना और रिप्लाई के सेकंड फॉर्म होती है रिप्लाई यानी कि दूसरे दोस्त ने उत्तर दिया जवाब दिया द बियर एडवाइस्ड बियर मीन्स भालू एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना एडवाइस की सेकंड फॉर्म होती है एडवाइस द बियर एडवाइस्ड मी नॉट टू बिलीव ए फॉल्स फ्रेंड्स मी मीन्स होता है मुझे नॉट मीन्स होता है नहीं बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना फॉल्स यानी कि झूठा गलत एंड फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त The bear advised me not to believe a false friends. भालू ने मुझे सलाह दी कि झूठे दोस्त पर विश्वास मत करो किसने बोला जो जमीन पर लेटे हुए दोस्त ने बोला Moral of the story, true friends is the one who always supports and stands by you in any situation. True means होता है सच्चा friend means दोस्त इज मीन्स होता है वन मीन्स होता है एक ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा सपोर्ट मीन्स क्या होता है साथ देना स्टैंड यानी कि खड़े रहना यू मीन्स होता है आपका आप एनी सिचुएशन यानी कि किसी भी स्थिति में सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि सच्चा दोस्त वही है जो किसी भी स्थिति में हमेशा आपका साथ देता हो और आपके साथ खड़ा रहता है